आज स्वाति बहुत लेट हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं। आज घर में है पूजा, तो उसकी सारी तैयारी शुरू है और कितने दिन पहले से ही सारी तैयारी शुरू हो चुकी है। सारा सामान वगैरह लाना सब कुछ हो गया है। और पूजा जो है वो मम्मी के लिए रखी गई है, क्योंकि मम्मी को गए हुए आज से 2 साल पूरे हो जाएंगे और हर साल इसी दिन पूजा रखी जाती है। सुंदरकांड, हवन, कन्या सब कुछ इसी दिन करवाया जाता है। तो पंडित जी को बुलाया गया है और वो आएंगे 8 बजे को, उन्होंने टाइम दिया था। लेकिन फिर मैंने बोल दिया था पापा से कि उनसे कहिए थोड़ा सा लेट आए, क्योंकि इतनी जल्दी सुबह सारे काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पूए वगैरह बनाना, क्योंकि हनुमान जी की पूजा होगी तो उसमें पूए तो चढ़ने ही है। तो मैंने कहा थोड़ा सा लेट आए। तो देखिए कि वो कितने बजे, 8 बजे का मना किया गया तो वो कितने बजे आते, क्योंकि वो बोल रहे थे कि पूजा सब कुछ सजाने में बहुत टाइम लगता है, तो वो शायद जल्दी ही आ जाएंगे। तो मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ सबसे पहले पुआ बनाने। पुआ बना के रख दें और उसके बाद फिर आगे की तैयारी करेंगे। पंडित जी आ जाएंगे तो पूजा में भी, मतलब सारा सामान वगैरह लगवाने में भी हेल्प करनी है। और फिर कन्या है और कुछ लोगों को भी मैंने बुलाया है, तो काफ़ी लोग हो गए हैं। बुआ जी, फूफा जी कानपुर से आए हैं, दीदी कल आ गई थी, तो काफ़ी लोग हैं। तो खाना वगैरह भी करना है, कन्या को भी खिलाना है, तो वो सारा काम मैं किचन का देखती रहूँगी और पूजा का दीदी भी करती रहेंगी, हम भी, तो सारा कुछ मैनेज हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं प्रसाद बना के रख देती हूँ। इधर बैठे और सब लोग इधर सामने बैठे, अच्छा बैठना चाहिए आचार। तो इसको टेबल थोड़ा सा इधर और कर दें, तो ये टेबल इधर कर दें, तो अच्छा अच्छा कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं। पंडित जी टाइम के बहुत पंचुअल हैं और वो आ चुके हैं। वैसे तो 8 बजे का बोल रहे थे, लेकिन पापा ने मना कर दिया था, तो अब वो आ गए हैं 8:40 पे। और उन्होंने आते साथ ही काम शुरू कर दिया है कि अभी बहुत सारी तैयारी करनी होती है, क्योंकि मैं तो इनसे अभी पूजा पहली बार ये मेरे घर पे सुंदरकांड कर रहे हैं, तो मुझे आइडिया नहीं है कि कितना टाइम लगेगा और किस तरह से करेंगे। लेकिन पंडित जी बोल रहे हैं कि ये सब पूरा सेट करने में और सारी चीज़ें सजाने में, चौकी तैयार करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो वो बोल रहे हैं कि मैं अभी से शुरू करूँगा तब जाके 1-1.5 घंटे लग जाएंगे। तो पूजा चलेगी 2 घंटे, सुंदरकांड में लग जाएंगे। मैं ऐसा मान रही हूँ कि 2 से 2.5 घंटे हो सकते हैं। और फिर 1 घंटे हवन में, क्योंकि हवन काफ़ी बड़ा होगा तो 1 घंटे टाइम लग जाएगा उसमें। वैसे तो नॉर्मली जल्दी हो जाता है, इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन मम्मी का भी आज करवाना है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा। और पूजा का वही मैं बोल रही हूँ कि पूजा सिर्फ इतने टाइम का रहेगा, लेकिन जो इसकी पहले की जो तैयारी होती है ना वो बहुत ज़्यादा रहती है। पंडित जी से मिलना, वो घर पे आ गए थे, उन्होंने सारी लिस्ट बना के दी कि क्या क्या सामान आएगा। फिर वो सारा सामान हम लोगों ने लिया जाके, जैसे कुल्हड़ हो गए, मटकी हो गई, पहले वो लेके आए। और फिर थोड़ा थोड़ा सा सामान आता है किसी भी अलग शॉप से, कहीं यहाँ से, तो वो सारी चीज़ें हमने इकट्ठा करी। तो कई दिन से शॉपिंग चल रही थी, थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ इकट्ठा कर लिया था। और सारा सामान हमने एक ही जगह पे रखा था, एक बड़ी सी डलिया बना के उसमें सारा सामान रख लिया था कि कुछ भी मिसिंग ना हो या फिर इधर उधर रख दें तो फिर एंड टाइम पे मिलेगा नहीं। तो मंदिर सजाने वाले भैया जी आ गए हैं, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे, तो उससे क्या होगा ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो वो फूलों की माला से ही सजाने वाले हैं, तो यहाँ पे ये इनकी हेल्प कर रहे हैं और मामा जी दोनों लोग मिल के भैया की हेल्प कर रहे हैं और मैं पंडित जी की। तो पंडित जी को जो भी चाहिए या जो भी काम है मैं उनका कर रही हूँ। और सारा सामान तो उन्होंने मंगवा दिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हमें घर से ही देनी है तो वो मुझे बीच बीच में किचन से आके देना पड़ रहा है। मतलब मैं किचन भी संभाल रही हूँ और फिर किचन से आके पंडित जी का भी हेल्प करा रही हूँ। जो भी उन्हें चीज़ चाहिए होता है या जो भी मुझे करना है ना वो मैं करती जा रही हूँ साथ में। मुझे अभी बिल्कुल तैयार होने का टाइम नहीं मिला है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जितनी जल्दी काम ख़त्म हो जाए ना फिर उसके बाद मैं फुर्सत से तैयार हो जाऊँ, साड़ी पहनना है। तो अभी मैं सारा काम जल्दी जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। और घर में चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, काम बहुत फैल जाता है। तो ऐसा नहीं सिर्फ मैं ही कर रही हूँ, पापा भी लगे हुए, दीदी आई हैं कल, वो भी लगी हुई हैं बराबर से, और ये भी लगे हुए, मतलब सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। ये इस मंदिर में नहीं है क्या जी? इसमें महाराज जी से कुछ लोग माला लेके रहे थे, जैसा बोला माला चढ़ाएंगे। ये माला कैसी लगती है? पंडित जी इधर को चिप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये को चिपका दो। हाँ आराम से हाईलाइट हो गया। ये देखो ये रख दो पंगा में। ठीक ठीक जब तक भूख ना लगे। हाँ ये भी सही है, अच्छा लगेगा। इसे कुछ कर दो। और अब काम चल रहा है चौकी सजाने का। तो नवग्रह की चौकी सज गई है और मम्मी की भी चौकी सजा दी गई है। अब बचता है राम दरबार की, और यहाँ पे हमने थोड़ी सी ग्रीनरी भी लगा रखी है जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे। और पंडित जी भी पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, पूरा काम करवा रहे हैं साथ में। और मेरा मन था कि हम 12 बजे के बाद पूजा करें, क्योंकि सुबह से बहुत काम हो जाते हैं। पूए बनाने थे, कन्या भी आज खिलानी है, उनका भी खाना बनाना, और भी लोगों को मैंने बुला रखा है। तो काफ़ी लोग हो गए थे, तो मुझे टेंशन हो रही थी कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, हेल्प कराने वाले भी बहुत हैं। दीदी भी आ गई हैं कल, और मेरी दीदी भी यहाँ रहती है, तो वो लोग भी हैं, हमेशा कोऑपरेट करती हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों थोड़ा सा टेंशन होता है। जब भी कोई काम करते हैं, जब तक वो हो नहीं जाता है ना, तो टेंशन लगी रहती है कि किस तरह से होगा, सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो वो सब कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा था। फिर पंडित जी ने कहा नहीं हम 8 बजे आ जाएंगे। फिर भी मैंने पापा से बोला कि उनसे बोल दीजिए आप कि 8 बजे ना आए, थोड़ा सा लेट आए। फिर वो आए 8:40 पर, लेकिन जिस टाइम पर आए थे मेरे पूए बन गए थे। ऐसे नहीं, ऐसे बताओ कैसे लगाओ। नहीं देखिए मैंने लगा के सब समझ को देगा। ठीक है ओके, तो बाद में तो लेते पूरा को दूं बस यही होगा। एक गिलास छोटे में बढ़िया से गंगा जल मिला के पानी डाल दो पार्टी और तीन बार जब आती मम्मी के पूजा की, तो पापा जब पूजा कर रहे हैं तो वो खुद बहुत इमोशनल हो जाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि उनकी कमी हम सब के लिए बहुत बड़ी है। कोई उस कमी को पूरा नहीं कर सकता है। जहाँ भी वो होंगी, हम लोग भगवान से यही कामना करते हैं कि वो खुश रहें, सुखी रहें। जहाँ भी हैं उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और हमेशा हम सब के दिल में वो हमेशा रहेंगे। हम सब उन्हें हमेशा याद करते हैं। पूजा तो शुरू हो गई है और पूजा हमारे यहाँ आ भी गई है। तो हमारी फ्रेंड आ गई और हम लोग बना रहे हैं खाना। कुछ चीज़ें बन चुकी हैं, और जो ग्रेवी वाली सब्जी थी दीदी ने बनाई, सूखी सब्जी पूजा बना रही है, तो इनकी जिम्मेदारी। खीर मैंने बनाई, सबने मिलजुल के बनाई है, और पूरी कचौड़ी दीदी बनाएंगी। यहाँ पे अब चल रहा है काम सूखी सब्जी का, और इधर सब सारी सब्जियां कट गई हैं। ये है कचौड़ी का, वो अभी बनाना है। पूजा चल रही, लेकिन अभी तो हम पूजा पे नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि हमें खाना भी करना है, उसके बाद कन्या भी खिलानी है, तो ये काम इम्पोर्टेंट। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री आरती कीजिए हनुमान की की जय जय राम। आरती हो गई है, प्रसाद भी बंट गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जा रहे थे। तो पंडित जी ने बोला कि प्रसाद अभी दे दो और फिर उसके बाद हवन कर लेंगे, क्योंकि हवन थोड़ा सा टाइम तक चलने वाला था, इसलिए पंडित जी ने पहले ही प्रसाद बंटवा दिया था। और हवन में अब दीदी, भैया, फूफा जी भी मेरे आ गए थे कानपुर से, दीदी लोग कल ही आई हुई थी, तो ये सारे लोग बैठ के हवन कर रहे थे। और हम लोग खाने की तैयारी, क्योंकि हवन के तुरंत बाद कन्या खिलानी है, पंडित जी को खिलाना है, और भी सारे लोगों को खाना है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि पहले से ही सारी चीजें बना के रख लेते हैं और उसके बाद तुरंत खिलाने लगेंगे। तो कन्या खिलाना है, तो किचन में तीनों दीदियाँ, छवि भी आ गई है, रंगोली भी है, ये लोग अंदर पूरी कचौड़ी बना रही हैं और मैं बाहर देख रही थी। कन्या को बिठाना, ये सब काम मेरा चल रहा है। तो अब मैं चलती हूँ, उनको खिला देती हूँ। जब क्या करेंगे सही सी होगा। पूजा वगैरह सब कुछ हो गया है और जितने भी लोग आए थे वो सब चले गए। बुआ जी, फूफा जी और दीदी लोग अभी हैं। वो सब लोग बैठ के बातें हो रही, मान्या डांस कर रही, सब लोग देख रहे हैं। तो अब टाइम बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मेरा काम मेरा फैला हुआ लेकिन सब लोग है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। खाती बुआ जी, फूफा जी अब जा रहे हैं वापस कानपुर और हमने बहुत कहा रुकने के लिए लेकिन उनके कुछ काम थे, इस वजह से वो नहीं रुक पाए। तो हम लोग उन्हें ड्रॉप करने जा रहे हैं। मान्या ने तो भाई मान्या ने बताया ही हमको इतना अच्छा काम किया। मान्या मान्या क्या लेंगे? जान से नहीं, अभी हम लेके जा रहे हैं ना, सबके लिए ले आएंगे। जल्दी आइएगा। और अभी दीदी को भी निकलना है गोमती से और टाइम हो गया ट्रेन का। हम थोड़े से लेट हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ना थोड़े से जो लास्ट वाले काम बचते हैं ना, टीका करना और महावर लगाना, तो वो काम मुझे जल्दी जल्दी से करना पड़ रहा है। ऊपर से ये लोग इतना शोर मचाते हैं कि और ज़्यादा घबराहट होने लगती है। चलो भाई, लो करेंगे। आज स्वाति बहुत लेट हो रहा है, बस सिम ऐसे ही कर दो प्रतीकात्मक। स्वाति तो ले इसी का सिपर बेड पे छूट गया क्या? देखो